हेडलाइन के प्रायोजक हैं ऐश्वर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मगहर में आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने के बाद 27 जून को गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। JEE AES पर प्रभावी रोक लगाने संबंधित बैठक में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के नोडल अधिकारी संजय अग्रवाल ने कहा, इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए शासन है कटिबद्ध है। 1 जुलाई से शुरू होगा दस्तक का दूसरा चरण। 26 जून को भाजपाइयों ने मनाया काला दिवस। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को किया सम्मानित। कैंपिले थाना क्षेत्र के आम घाट में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। SP नॉर्थ ने बताया, आरोपियों पर हो रही है कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मतदाता पुनरीक्षण कार्य तथा आंशिक गुट परिवर्तन के संबंध में CDO की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। राजनीतिक पार्टियों के आपत्तियों का किया गया निस्तारण। 3 दिवसीय UP पुलिस समर कैंप का हुआ समापन। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी हुए सम्मानित। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के तहत राज्य भाषा प्रयोग वालों को किया सम्मानित। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने किया 8 डिस्ट्रिक्ट के कार्यों का बहिष्कार। मांगे पूरी नहीं होने पर 3 जुलाई को हड़ताल की दी चेतावनी। जिला क्षय रोग अधिकारी की पहल, TB रोगियों की जानकारी देंगे फुटकर दवा व्यवसायी। विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की मासिक बैठक हुई सम्पन्न। उत्तर रेलवे और राष्ट्रीय उद्योग निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सपा कार्यालय में पार्टी के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी एवं सभी प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। बैठक में पार्टी की मजबूती और विस्तार पर किया गया मंथन। पिछले 7 माह से वेतन न मिलने से नाराज गोरखपुर विश्वविद्यालय के UGC एकेडमी स्टाफ के कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। कहा, 2 माह नहीं 5 माह के वेतन का करीब भुगतान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मनाई छत्रपति शाहू जी महाराज की 144वीं जयंती समारोह। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रेरक संघ ने धरने के 9वें दिन किया शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन। और गोरखपुर अंडर 12 क्रिकेट लीग में TNM क्रिकेट एकेडमी की 9 विकेट से और अक्की जूनियर की 2 रनों से जीत।